हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है व्यापार का अधिग्रहण। यदि कोई नव स्थापित कंपनी किसी चालू व्यवसाय को खरीदती है या कोई एकल व्यापारी या साझेदारी फर्म अपने व्यापार को कंपनी में परिवर्तित कर लेती है तो ऐसे परिवर्तन को हम कहते हैं कंपनी द्वारा व्यापार क्रय। व्यापार क्रय करने पर क्रय प्रतिफल ज्ञात किया जाता है। क्या क्रय प्रतिफल किसे कहते हैं और इसे कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में हम जानते हैं। परचेज कंसिडरेशन, व्यापार क्रय पर क्रेता कंपनी द्वारा विक्रेता कंपनी को जिस राशि का भुगतान किया जाता है वह कहलाता है परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन ज्ञात करने की दो विधियां हैं। पहली है शुद्ध भुगतान विधि और दूसरी है शुद्ध संपत्ति विधि। नेट पेमेंट मेथड के अंतर्गत व्यापार का विक्रेता क्रेता कंपनी के मध्य एक समझौता होता है जिसमें क्रेता कंपनी विक्रेता कंपनी को जो भुगतान करती है उसे कहते हैं शुद्ध भुगतान, और ये शुद्ध भुगतान ही क्रय प्रतिफल कहलाता है। शुद्ध संपत्ति विधि, इस विधि के अंतर्गत विक्रेता कंपनी की ली गई संपत्तियों में से विक्रेता कंपनी के लिए गए दायित्वों को घटाकर शुद्ध संपत्ति ज्ञात की जाती है और शुद्ध संपत्ति को ही हम क्रय प्रतिफल कहते हैं। क्रय प्रतिफल से संबंधित क्या जनरल प्रविष्टियाँ की जाती है इसके बारे में हम आगे देखते हैं। व्यापार क्रय करने पर क्रेता कंपनी की पुस्तकों में की जाने वाली जनरल प्रविष्टियाँ, संपत्तियों व दायित्वों को क्रय करने पर जब क्रेता कंपनी विक्रेता कंपनी से संपत्तियां और दायित्व क्रय करती है तो उससे संबंधित जनरल प्रविष्टि है सन्ड्री एसेट्स अकाउंट एपी टू सन्ड्री लायबिलिटी टू वेंडर अकाउंट। उसके पश्चात वेंडर को जो क्रय प्रतिफल भुगतान किया जाता है वह क्रय प्रतिफल कैसे भुगतान करना है उससे संबंधित जनरल प्रविष्टि है वेंडर अकाउंट एपी टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू प्रिफरेंशियल कैपिटल टू डिबेंचर टू बैंक। यदि विक्रेता कंपनी को इक्विटी शेयर भुगतान करती है तो टू इक्विटी शेयर लिखेंगे, प्रिफरेंस शेयर अगर पे करती है तो प्रिफरेंस शेयर, डिबेंचर अगर इशू करती है तो टू डिबेंचर, और यदि कुछ पेमेंट नगद करती है तो टू कैश लिखेंगे। एक इलस्ट्रेशन की सहायता से हम समझते हैं कि परचेज कंसिडरेशन कैसे ज्ञात किया जाता है। इलस्ट्रेशन है फ्लोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ स्मिथ एंड स्पेंसन्स एज ऑन 31 मार्च 2016। इसमें इलस्ट्रेशन 2016 का दिया है इसलिए 2016। बैलेंस शीट में कैपिटल दी रहेगी पी स्मिथ और इसमें जनरल रिजर्व दिया है। इधर बिल्डिंग प्लांट मशीनरी इन्वेस्टमेंट 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ब्लैक लिमिटेड और उसके अलावा दिया है डेटर्स स्टॉक और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उक्त तिथि को स्मिथ लिमिटेड ने स्मिथ एंड सन्स के व्यापार को क्रय किया है। क्रय प्रतिफल की राशि की आपको गणना करनी है और क्रय प्रतिफल क्या होगा यदि विनियोग देनदार व लेनदार क्रेता कंपनी नहीं लेती है, और सेकेंड है यदि बिल्डिंग को 7 लाख पे और प्लांट मशीनरी को 3 लाख पे पुनः मूल्यांकित किया जाए। तो हम सबसे पहले फर्स्ट स्टेप से परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करते हैं। तो परचेज कंसिडरेशन हम नेट असेट्स मेथड से कैलकुलेट करेंगे क्योंकि यहाँ क्रेता कंपनी और विक्रेता कंपनी के मध्य कोई समझौता नहीं हुआ है। तो हम कैलकुलेट करते हैं परचेज कंसिडरेशन। तो सबसे पहले हम टोटल असेट्स लेते हैं। तो टोटल असेट्स में हम लेंगे बिल्डिंग कितनी है 420 की, प्लांट मशीनरी 330 के, इन्वेस्टमेंट आपके 220 के, डेटर्स हैं आपके 80,000, स्टॉक है 80,000 और बैंक है आपका 40,000। इस तरह से टोटल असेट्स हो गई आपकी 11,70,000। इसमें से हमें लेस करने हैं लायबिलिटी। तो लायबिलिटी में क्या क्या है आपके, लोन है पी स्मिथ और एम स्मिथ का, पी स्मिथ का है 120 का और एम स्मिथ का है 80,000 का। उसके अलावा क्रेडिटर्स हैं 2 लाख के।
तो इस तरह से आपकी टोटल लाइबिलिटी हो गई 4 लाख की। टोटल एसेट्स है 11,70,000 और लाइबिलिटी है 4 लाख। तो टोटल असेट्स में से हम टोटल लाइबिलिटी जब लेस करेंगे तो आपका नेट परचेज कंसिडरेशन आ जाएगा 7,70,000। अब चलते हैं हम दूसरे पॉइंट पर। इसमें कहा है विनियोग देनदार और लेनदार को क्रेता कंपनी द्वारा नहीं लिया जाए। किसे किसे नहीं लेना है? तो विनियोग को, डेटर्स और क्रेडिटर्स को नहीं लेना है। तो हम निकालते हैं, तो यहाँ पर हम क्या क्या लेंगे? बिल्डिंग हमें लेनी है, प्लान मशीनरी लेनी है, इन्वेस्टमेंट नहीं लेने तो इसे छोड़ देते हैं, डेटर्स नहीं लेने हैं, स्टॉक और बैंक। इस तरह से आपकी इन विनियोग, डेटर्स, क्रेडिटर्स और डेटर्स को छोड़ने के बाद आपकी टोटल असेट्स तो आ रही है 870 की, और टोटल लाइबिलिटी में आपको क्रेडिटर्स नहीं लेने हैं तो वो आ रहा है आपके 2 लाख। इस तरह से आपका नेट परचेज कंसिडरेशन हो जाएगा 6,70,000। थर्ड पॉइंट में उसने कहा है कि भवन को कितने पर लेना है? 7 लाख पे, और प्लांट और मशीनरी को लेना है 3 लाख पे। तो अब हम ये रीवैल्यूड वैल्यू ही लेंगे। तो चलते हैं यहाँ पर बिल्डिंग को कितने पर लेना है? 7 लाख पे, तो हमने बिल्डिंग ली है यहाँ पर 7 लाख। प्लांट एंड मशीनरी को कितने पर लेना है? यहाँ पर 3 लाख पर, यहाँ 330 है पर यहाँ लेना कितना है? 3 लाख पे, तो हमने लिया है यहाँ पर 3 लाख पर। इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स और बैंक लिया है तो आपका आ गया यहाँ पर 14,20,000। और आपके लाइबिलिटी कितने हैं? लाइबिलिटी वही कितने हैं आपके? 4 लाख। इस तरह से आप टोटल असेट्स में से लाइबिलिटी लेस करेंगे तो इस तरह से आपके 10,20,000 निकल जाएगा नेट परचेज कंसिडरेशन। यदि क्वेश्चन में नेट पेमेंट मेथड से अगर परचेज